तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक कमाल का वीडियो में। तो गाइस आप जो है पहले इस ऑडियो को सुन सकते हैं कि कितना ज्यादा बोरिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन यही ऑडियो को मैं एडिट कर देता हूं, उसके बाद आप सुनो कि आपको जो है कितना ज्यादा मस्त ऑडियो लगेगा सुनने में। तो गाइस आपको जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप जो अपने मोबाइल के द्वारा, अपने स्मार्टफोन के द्वारा, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसके द्वारा आप जो इस तरीके को यूज करके आप जो अपने ऑडियो को काफी ज्यादा प्रोफेशनल लेवल का बना सकते हो। इसमें जो है ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना है, बस आपको जो है एक ऐप इंस्टॉल करना है जो कि आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, आप जो है वीडियो पे बने रहना। तो गाइस आपको जो है सिंपली एक ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन में। बस 2 मिनट आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको जो है खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपका जो है ऑडियो वो कितना एडवांस लेवल का तैयार होकर निकलेगा। तो गाइस आप जो है इस वीडियो को एंड तक देखो, मैं जो है आपको एक प्रोफेशनल ऑडियो एडिटिंग सिखाऊंगा कि आप जो है एक प्रोफेशनल ऑडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। गाइस आप देख ही सकते हो मेरे पास जो है कोई भी माइक नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल माइक मैंने यूज नहीं किया। मैंने जो है क्योंकि मेरा एक पुराना वाला स्मार्टफोन है उसी को यूज किया है। गाइस अगर आपके पास माइक नहीं भी होना, आप जो कमाल का ऑडियो एडिटिंग कर सकते हो। ऑडियो को एक बार रिकॉर्ड करके एडिटिंग करो, उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप जो कितना एडवांस लेवल का ऑडियो अपने स्मार्टफोन से ही कैसे एडिटिंग कर सकते। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लेकर चल रहा हूँ सीधा स्मार्टफोन के स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने ऑडियो किस तरीके के यूज करके जो है काफी ज्यादा एडवांस लेवल के एडिटिंग ऑडियो में कर सकते हो, और आपका वीडियो जो है वो पहले से काफी ज्यादा मस्त लगने लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर पहली बार विजिट किए हो दोस्त सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब के लिए मैं वीडियो को बनाता हूं, लेकिन आप सब्सक्राइब भी नहीं करते और बिना लास्ट तक देखे चले जाते हो। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो को बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि जो है मेरे नए कंटेंट आप तक पहुंचता रहे और आपको आपकी जो है काफी ज्यादा हेल्प हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेके चलता हूं अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पे, आप बने रहना वीडियो पे एंड तक। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पे। तो गाइस आप जो है इस वीडियो पे एंड तक बने रहना। मैं जो है लेक्सिस ऑडियो एडिटर का जो है एक एक चीज सारा कुछ अब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो गाइस चलिए सबसे पहले जो है अपने गैलरी में चलते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने गैलरी के अंदर। आपको जो भी ऑडियो या वीडियो को यहाँ पे शेयर करना है, जिसको एडिट करना है लेक्सिस ऑडियो एडिटर के अंदर, सिंपली आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके कोई भी वीडियो को सीधा लेक्सिस ऑडियो एडिटर के अंदर जो है भेज सकते हो। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो ऑडियो का क्लिप है सिंपली वो आ चुका है। यहाँ मैं एक बार जो है यहाँ से प्ले करके देख लेता हूँ। तो हेलो गाइस, अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो ये रिकॉर्ड हो रहा है रियलमी के स्मार्टफोन से। तो गाइस यहाँ देख सकते हो कि ये वॉइस क्लिप हमारा आ चुका है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना, सिंपली आपको ये देखना है कि आपको आपका जो है वॉइस क्लिप यहाँ से प्ले नहीं होना चाहिए, पॉज रहना चाहिए, तभी आपका जो है इफेक्ट काम करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे 3 डॉट पे, और यहाँ पे आपको देख सकते हो कि इफेक्ट का बहुत सारा सेक्शन मिलेगा। आपको इफेक्ट पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले काम आप देखोगे कि आपके अगर ऑडियो के क्लिप में कोई भी नॉइस आ रहा है, बैकग्राउंड में कोई भी हल्ला आ रहा है या किसी का आवाज़ आ रहा है, अगर उसको जो है आप रिमूव करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा यहाँ से नॉइस रिडक्शन पे। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से मैनेज करके आपको देख लेना स्लाइड करके कि कितना पे जो आपका म्यूजिक सुनने में यहाँ से अच्छा लग रहा है। तो ऐसे करके जो आप मैनेज करके अपने हिसाब से अपना जो है बैकग्राउंड के जो नॉइस है उसको कम कर सकते हो। उसको अप्लाई पे क्लिक कर देना, सिंपली आपका जो है इफेक्ट यहाँ से लग जाएगा और आपका जो है वॉइस के अंदर जो है जितना भी बैकग्राउंड में आता होगा शोरगुल आता होगा सारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर से आपको जाना है इफेक्ट के अंदर और आपको जाना है यहाँ पे सीधा कंप्रेसर पे। आपको यहाँ से कंप्रेसर को चेक करना है कि आपका जो है कितना पे सही लगता है, क्योंकि गाइस सारा ऑडियो का जो है यहाँ से अलग अलग सेटिंग होता है। तो गाइस इसीलिए आप अपने हिसाब से यहाँ से आगे पीछे स्लाइड करके यहाँ से चेक कर लेना कि कितना पे जो है आपका जो है वॉइस वो ठीक लग रहा है। उसके बाद इसको भी अप्लाई कर देना है और उसके बाद जो है यहाँ पे फिर से 3 डॉट पे जाना है और यहाँ पे आपको फिर से इफेक्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको जाना है इक्वालाइजर एम्पलीफायर में। यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे, अगर आपको जो है अपने ऑडियो को यहाँ से क्रिस्प बनाना है और पूरा शार्प बनाना तो इसको सबसे ऊपर कर देना, और उसके बाद अगर आपके ऑडियो के अंदर जो है बेस चाहिए तो गाइस ये दोनों को ऊपर करके यहाँ से देख लेना, और भी क्रिस्प बनाना है तो इसको भी ऊपर करके आप यहाँ से अपने ऑडियो के हिसाब से चेक कर सकते हो, और उसके बाद जो है इसको भी अप्लाई कर देना। जैसे ही आप ये अप्लाई करोगे तो आपका जो ऑडियो पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर बन गया होगा। और उसको जो है आपको सिंपली आप क्या करना है, आपको फिर से 3 डॉट पे यहाँ से जाना है। 3 डॉट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे फिर से आपको जो है इफेक्ट पे यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे आपको जो है अगर आप अपना जो है शोरगुल को बंद कर चुके हो तो आपको फिर से जो है आपको जाना है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में। आपको जाना है यहाँ से, आप देख सकते हो यहाँ लिखा आ रहा है
नॉर्मलाइज, मतलब जो भी आपने एडिट किया होगा सिंपली वो नॉर्मल हो जाएगा और आपका ऑडियो जो है नॉर्मल हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि आपका जो है ऑडियो एडिट किया गया है, पता नहीं चलेगा। ऐसे करते ही जो है आपका ऑडियो का पता नहीं चलेगा कि इस पे जो है एडिटिंग किया है। तो गाइस आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ से ऑडियो सुना देता हूँ कि कैसा एडिट हुआ है। तो हेलो गाइस, अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो ये रिकॉर्ड हो रहा है रियलमी के स्मार्टफोन से।